तो साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त शुभम सैनी, प्रदेश मीडिया प्रभारी बेरोजगार संगठन SIT। जो रिपोर्ट आनी थी फॉरेस्ट गार्ड के संबंध में, तो उसके संबंध में आज हम हरिद्वार SSP कार्यालय आए हुए थे। हमारे साथ कुछ भाई बंधु भी आए हुए हैं, जिसमें सचिन करणवाल और आपके हमारे सौरभ भाई और अन्य कार्यकर्ता भी आए हुए थे। सौरभ भाई जी आए हुए थे, ये साहिद भाई आए हुए थे, और उधर सुगेंद्र जी खड़े हुए, और लगभग 5-7 कार्यकर्ता और आए थे जो कि चले गए। ठीक है, तो क्या रीज़न था, क्यों हम आए थे, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो को आपको पास सभी के पास शेयर करना है। तो साहब से आज मुलाकात हुई और उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में जो देरी हो रही है उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी कोरोना। उसके बाद जो सबसे बड़ा देरी का जो रीज़न है वो है 1.5 लाख बच्चों का भविष्य का सवाल। यानी कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो समय लग रहा है, हम कोई भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ना चाहते जिससे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। यानी कि उन्होंने साफ साफ ये चीज़ क्लियर कर दी कि जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत होगी वो बहुत निष्पक्ष होगी, और 1.5 लाख जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उन सभी के भविष्य को देखते हुए ही हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, जब उनसे हमने पूछा कि सर रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, तो उन्होंने कहा है कि इस मंथ के लास्ट तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मंथ के लास्ट तक रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दें। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट आयोग के पास जाएगी, आयोग उस पर क्या डिसीजन लेता है, रद्द हो या रिजल्ट हो, वो बाद की बात है। ठीक है, मेरा जो मेन रीज़न था आने का वो ये था कि SIT रिपोर्ट जल्द से जल्द आए उन बच्चों के साथ। यानी कि हम खुद भी हैं, हमारे करणवाल जी भी हैं और सौरभ भाई भी हैं। आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ कैमरे के माध्यम से कि हम इस समय कहाँ पर खड़े हुए हैं। कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। ये अन्य कार्यकर्ता हैं, वो गाड़ी, कुछ कार्यकर्ता उस गाड़ी में आए हैं, कुछ कार्यकर्ता इस गाड़ी में आए हैं, कुछ बाइक्स पर भी आए हैं। लगभग काफ़ी बच्चे यहाँ पर उपस्थित थे, तो काफ़ी अच्छा लगा साहब से मिल के। तो निष्कर्ष मिल के उनसे यही निकला कि जो रिपोर्ट है इस मंथ के लास्ट तक पूरी संभावनाएं हैं आ सकती है। ठीक है, ये तो उन्होंने क्लियर नहीं किया कि किस डेट को आएगी, लेकिन ये कहा है कि इस मंथ के लास्ट तक हम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है बच्चों का, क्योंकि लगभग 1.5 लाख युवाओं ने इस फॉर्म को फिलअप किया था, और जिसमें से लगभग 90,000 प्लस बच्चों ने पेपर दिया था। तो उन सभी के फ्यूचर को देखते हुए रिपोर्ट तैयार की जा रही है, कोई भी छोटा सा छोटा पहलू इसमें नहीं बचेगा। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इतनी अच्छी बारिश पड़ रही है कि सुबह 7 बजे से बारिश पड़ रही है और अभी भी बारिश पड़ रही है। कपड़े सारे भीग रखे हैं, सभी जितने यहाँ पर अन्य जो कार्यकर्ता हैं, जितने आए हुए हैं, सभी के कपड़े भीग रखे हैं, और अंदर भी जाने नहीं दिया था इस वजह से हमें। तो साहब बाहर ही आए, बाहर ही उनसे मुलाकात हुई। ठीक है, वो मैं पोस्ट भी थोड़ी देर बाद कर दूंगा जब उनसे जो उनसे बात हुई थी। तो यानी कि काफ़ी संघर्ष के बाद यहाँ पर पहुँचे। लगभग 40-45 किलोमीटर है मेरे यहाँ से, और पूरा बारिश में भीगते भागाते, लेकिन काफ़ी युवाओं की बात है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और इसका निष्कर्ण हो, क्योंकि लगभग 6 माह हो चुके हैं SIT को गठित हुए इस मामले में, और बच्चे काफ़ी परेशान हैं। जिनके नंबर अच्छे बन रखे हैं वो रिजल्ट को लेकर परेशान हैं, और कुछ बच्चे जो गलत हुआ है उसको लेकर परेशान हैं। ऑलमोस्ट जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और इसका निष्कर्ष निकल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको जल्दी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।